जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क, बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमें चाहिए सीजन की फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, और हर जगह इजीली मिल भी जाती हैं। देख लीजिएगा, अच्छी हों, सख्त हों, बहुत नरम सी ना हो, क्योंकि फिर वो उसको ख़राब कर देती हैं। फ्रूट का जो आप उसको पिक करेंगे, जो आपकी चॉइस है कि फ्रूट देखेंगे सख्त है किस तरह है, वो आपकी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उसको ख़राब होने से बचाएगा और उसकी लाइफ को लॉन्ग करेगा। तो ये मेरे पास है, पकी में भी है लेकिन हार्ड है, कोई गली भी नहीं है, कोई ख़राब नहीं है, दबी भी नहीं है। तो ये ख्याल रखिएगा जब आप कोई ड्रिंक बनाते हैं। तो ये जो है वो कमर्शियल भी है और घरेलू यूज़ के लिए भी है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बॉटल स्टरलाइज, आमतौर पे कैफेज़ वगैरह में ये मिलती है। इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह स्टरलाइज कर लिया, मुझे ये बोतल नहीं मिली थी तो मैंने एप्पल जूस की करके और उसको अच्छी तरह वॉश करके स्टरलाइज कर लिया। एक ग्लास ले लें अगर आप सर्व करें, बड़ा अच्छा होता है। और ये मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है, छोटी नाइफ ले लें, अच्छी तरह वॉश कर लें, पानी में इसको भिगो दें ताकि अगर कोई डर्ट है या कुछ किसी भी किस्म की कोई चीज़ है तो निकल जाए। अब हम इसकी कटिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, इस तरह पिक करें और ये इस तरह करके आपको ऊपर का हिस्सा निकाल देना है इस तरह। ये देखिए, तो ये है, ग्रीन पार्ट नहीं लेना है। अगर किसी चीज़ में मैंने देख के ली है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन पार्ट है तो ये मैं दिखा दूँ आपको, वो पार्ट कट कर देंगे, हमें रेड रेड पार्ट चाहिए। तो इस तरह सारियों को कर लेंगे हम। और इसको करके तरह हाफ करेंगे बीच में से, चार टुकड़े करके। इसके छोटी स्ट्रॉबेरी है, एक के चार कर दें, बड़ी है तो और मज़ीद कर लें, इसके तीन कर दें। इसी तरह सारी कर लेंगे और एक प्याला ले लें, उसमें डाल दें। स्ट्रॉबेरी काट लेंगे, इसके अंदर में पिसी भी चीनी है, आइसिंग शुगर नहीं है, पिसी भी चीनी आपको लेनी है, एक टेबल स्पून मैंने ये लिया है। और उसके बाद में इसमें एक और टेबल स्पून डालूँगी, आपके ऊपर आप वाइट डालें ब्राउन, मैं मिक्स करके डाल रही हूँ दोनों, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दो टेबल स्पून मैंने पिसी भी इस्तेमाल की है। और उसके बाद ब्राउन शुगर है मेरे पास, एक दो तीन चार, ऑल टुगेदर मैंने 6 टेबल स्पून डाली है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा लगती है, वैसे तो ये बैलेंस हो जाती है, बाहर कैफेज़ वगैरह में, बाहर की कंट्रीज़ में ये ब्राउन शुगर के साथ बनाई जाती है। तो मैं आपको इसमें दो तरीके से आपको इसको करके बताऊँगी, दोनों ही सही होते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह बना लें। तो ये अभी मैंने इतनी डाली, अगर मुझे लगता है कि कम या ज़्यादा होगी तो, और जो मेरी स्ट्रॉबेरीज जो हैं, मेक श्योर करें स्वीट वाली लें, खट्टी स्ट्रॉबेरीज नहीं लें। मैंने ये जो ली है, ये एक तो पकी नहीं है, कच्ची नहीं है और स्वीट है, थोड़ी सी सख्त भी है। अब हम इनको इस तरह एक कोई चीज़ ले लें, मैश स्पून ले लें, मेरे पास ये इस तरह का था, मैंने इस तरह ले लिया, इसको दबा देंगे। चीनी आप ब्लेंडर में पीस लीजिए, अगर नहीं पीस रहे हैं ब्लेंडर में कोई मसला है तब भी कोई मसला नहीं है। क्या करेंगे, इसको डाल के एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। पीसी चीनी होता जल्दी हो जाती है और इजी रहती है। तो इसको हम उस वक्त तक करेंगे जब तक ये कुछ जैम जैसी, इसकी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कुछ पीसेस भी चाहिए, थोड़ा मैश भी चाहिए, बिल्कुल ही वैसा वाटर की तरह नहीं चाहिए। ये मिल्क शेक नहीं है, ये मिल्क है, स्ट्रॉबेरी मिल्क है, मिल्क शेक डिफरेंट साइड पे चला जाएगा, ये मिल्क है, बाहर की कंट्रीज में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह कर दी, फ्लेम पे मैंने इसको चढ़ा दिया,
तो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और इसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, इसको इतना नहीं पकाना है, जो स्ट्रॉबेरी में से वाटर निकला है थोड़ा सा, वो हम जो है इसको इधर से गाढ़ा करेंगे। ये देखें अगर आपको ये नज़र आ रहा है, पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर खट्टी स्ट्रॉबेरी, फिर वही कहूँगी कि हरी हरी खट्टी कच्ची सब बहुत ज़्यादा ऐसी सब उसमें खटास होती है, तो वो देख लीजिएगा, वो पार्ट ग्रीन पार्ट रिमूव कर दीजिएगा, उसको मत डालिएगा वरना फ्लेवर ख़राब कर देगा। ये देखिए इसको इतना इस तरह पकाइएगा कि इसमें चीनी जले नहीं। हमें इसको हल्का सा इसका पानी ख़त्म करना है। और ये देखिए इसमें थिकनेस आ रही है, तो हमें यही चाहिए। हमें कोई इसका जैम नहीं बनाना। बेसिकली जो शुगर में पानी छोड़ा था, जो स्ट्रॉबेरी का पानी था, वो ख़त्म मैंने किया है। तो अराउंड मुझे इसमें जो था मीडियम थी, मीडियम लो थी, तो मुझे इसमें 15 मिनट लग गए। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं थी इसकी। ये देख लें, इतना नहीं पकाना कि ये अपना कलर चेंज कर दे। कोई फूड कलर भी नहीं डालना इसमें, ये ओरिजिनल अच्छा लगता है। हाँ, जो लोग अगर कमर्शियल का देख रहे हैं तो फिर वो इसके रंग और चीज़ों का ध्यान रखें। वो ये करें कि थोड़ा सा शुगर को पका लें, फिर स्ट्रॉबेरी मैश की भी डालें, ताकि कलर जो असल में तो जो दिखता है वही दिखता है। आपको इसके कलर का ध्यान रखना है। बस इतना ही पकाना था मुझे इसको। देखिए इसकी थिकनेस चेक करें आप, इसी तरह का हमें चाहिए। देखेंगे अगर आपको ये जैसे जैम होता है, जैम को अगर आपने देखा हो कि वो उसमें हल्का सा अगर पानी मिला दें तो जैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है, उस तरह ठीक चाहिए मुझे, बिल्कुल सॉलिड नहीं चाहिए। इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको सर्विंग की तरफ आऊँगी। इसकी एक जगह मैंने अपने स्ट्रॉबेरी को ठंडा होने के लिए रख दिया है, ठंडी होकर गाढ़ी होगी। दूसरे ये वाली, ये भी देख लें आप कितनी अच्छी है, इसमें जूसेस स्ट्रॉबेरी ने छोड़ दिए हैं। ये दोनों सही हैं, दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। डाल लें आपको जितनी पसंद है। चिल्ड मिल्क होना चाहिए, अगर नहीं है मैं इसमें ज़रा सी आइस भी डाल रही हूँ क्योंकि नहीं है मेरे पास। और दूसरी में मैं जो है दूसरा वाला डालूँगी, वो भी ज़रा सा ठंडा हो जाए। इसके लिए हमें डब्बे का मिल्क इस्तेमाल करना है, मिल्क पैक वगैरह कोई भी होगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम कोई भी फ्रेश मिल्क इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मिल्क पैक में ये थिकनेस होती है, वो इसको एक्स्ट्रा किक देगी। और गाढ़ा गाढ़ा सा मिल्क होता है तो हम यूज़ करेंगे। कोई भी मिल्क, यानी मिल्क का जो पैक हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, किसी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का। ये देखिए, ये मेरे पास कोई भी मिल्क जो है वो आप ले लेंगे और इसमें पोर करेंगे ग्लासों में। मैंने लो फैट लिया है, वो लोग सेमी स्किम लेते हैं या फुल फैट लेते हैं। इसी तरह इसमें डालेंगे, बहुत ही हल्के उससे डालेंगे। और इसमें हम ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए ये रेडी है। साउथ कोरिया में ये ड्रिंक बहुत फेमस है और ये तकरीबन 8 to 10 डॉलर की, इससे थोड़ी सी बड़ी बोतल मिलती है। छोटी बोतल जो है वो 6 डॉलर की मिलती है। और ये घर में आप रख सकते हैं, ये चिल्ड करके पिया जाता है। एक हफ्ते तक ये फ्रिज में रखा रहता है। कैफेज में आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई ख़राबी नहीं होती, कुछ नहीं होती, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा पका लेते हैं जो जो खराबी का डर निकल जाता है। और इसका एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर आपको रखना होता है। तो जो कमर्शियल काम करना चाहते हैं वो इस तरह बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी तरीका है इस्तेमाल करने का। और
फ्रेश, आपके कोई मेहमान आ जाए आप उनको सर्व भी कर सकते हैं, तो ये शेक कर देते हैं इस वक्त। और ये है, इसको भी इसी तरह मेहमानों को आप देते हैं, तो एक स्टिक डाल दी जाती है तो उसको खुद ही स्टर कर लेते हैं, मिलाया नहीं जाता। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। तो ये इस तरह का, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, मैं वो भी डाल दूंगी कि वो इस तरह बनते हैं ये। और ये इसमें लिखा हुआ होता है, आपने देखे इस तरह, ये मैंने इसीलिए इस तरह की ली कि शेक वेल बिफोर यूज, और अच्छी तरह शेक करके जब आप इसको पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपके ऊपर, आप घर में बना रहे हैं, ये देखिए इसको स्टर कर लें। इससे ज्यादा खूबसूरत ड्रिंक कोई नहीं है। ये व्हाइट में है, बिल्कुल ही लो फैट मैंने लिया है, 1% फैट। आपका दिल चाहे आप सेमी स्किम मिल्क ले लें, लेकिन ये जो है वो फ्रेश मिल्क से नहीं बनता। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं ये बात, तो हमें बताइएगा कि ये आपको किस तरह कैसा लगा। इसको ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हमारी आपको रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।